बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी विद अजीत में। आज की इस वीडियो में मैं तीन ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने मन में बिठा लिया तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन तीनों बातों में से जो तीसरी बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। देखो क्या होता है ना, इंसान गलती बाद में करता है, एक्सक्यूज पहले सोच लेता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जब हम फेल होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरों को कैसे जस्टिफाई करें। हम इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारी कमी कहाँ रह गई, हमने गलती क्या कर दिया। हम दूसरों को ये यकीन दिलाते हैं कि ये सिचुएशंस थे, ये रीजंस थे जिनकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। तो आपको एक्सक्यूज़ बनाने से बचना है और ये देखना है कि कमी कहाँ रहेगी, एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैट फैक्टर्स दैट मेड यू अ फेलियर। दूसरी बात है, स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कॉमन सिचुएशन को या फिर बहुत ही ईजी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अनकॉन्शियसली हम चीज़ों को सुलझाने के बजाय उनको और उलझा देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम होती है पर मेंटल लेवल पे हम उस चीज़ को सोच सोच के उसका लेवल बहुत हाई कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं। तो ओवरथिंकिंग से भी आपको बचना है, और ओवरथिंकिंग से कैसे बचें उसकी एक पूरी वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो क्या है, स्टॉप टेकिंग एक्सेस और टू मच एडवाइसेस। अब कुछ लोग कहेंगे कि एडवाइस क्यों नहीं लेनी चाहिए, एडवाइस तो बहुत ज़रूरी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एडवाइस ही मत लीजिए, आई एम जस्ट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा एडवाइसेस मत लीजिए, बहुत एक्सेस में एडवाइस मत लीजिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो क्या होता है, हर इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, उसकी एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, उसकी अपनी एक स्किल होती है, और वो उस स्किल के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कुछ डिसीजंस को लेता है, जो कि वो डिसीजन उस पर्सन के लिए बिल्कुल सही है। और जब वही इंसान अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग जब किसी से एडवाइस लेता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके डिसीजन के हिसाब से एडवाइस देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कई लोगों की बातों को सुन के, क्योंकि बहुत से लोग अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस देते हैं। आपके लिए क्या सही है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये कन्फ्यूज़न वहाँ स्टार्ट होती है जब कुछ लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी लाइन है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तुमको ये नहीं, तुमको ये करना चाहिए। वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा ऐसा तरीका जिससे हम इन जाल से हम बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आपको उन्हीं लोगों से एडवाइस लेनी है जो आपके फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सीधी सी बात है, अगर आप एक लोहार के पास जाएंगे तो आपको लोहे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप एक सुनार के पास जाएंगे तो वहाँ आपको सोना चांदी मिलेंगे। इशारा आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।